तो राव साहब से पहले ये सवाल है, आप असंगठित कामगार विभाग के अध्यक्ष हैं, तो आप मुंबई से इतना मुश्किलों का सामना रास्ता सफ़र करके आए हैं, तो भिवंडी में जो CIDB की जो ऑफिस है कलाम मोमिन की, तो आप इनके माध्यम से जो आप मिलने आए हैं, तो आपका मकसद क्या है? मिलने का ये कि मकसद होता है क्या, पार्टी बढ़ाने का, पार्टी के मेंबर बढ़ाने का, पार्टी में लोग लाने का, और पार्टी के लिए काम करने के बाद कितने तादाद में अपन मतदान करके लेंगे, इसके लिए हम आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में आपकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कामगार के विभाग अध्यक्ष हैं, तो इसमें आपके लोगों ने महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ कुछ ऐसा काम किया जो आपके काम का हवाला देंगे आप? पूरे महाराष्ट्र में हम लोग असंगठित कामगार के जिला अध्यक्ष हैं, प्रतिशा बाद में वो पूरे महाराष्ट्र के संगठन है। मुंबई महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ कुछ ऐसे काम किए उसका हवाला कुछ? मुंबई में जब आपने देवनार है, देवनार जी हाँ जहाँ सॉलिटेड अपना ये, वहाँ से 218 लोग हमारे मेंबर है कि जो का वहाँ काम करते हैं, उनको न्याय देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित काम करती है। और उसके बाद में क्या हुआ है, था क्या, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, वहाँ 7 जो शेड थे वो तुड़वा गए थे, और तो जो शिवसेना का राज था वो टाइम 24 कोटी 81 लाख उसके लिए ये रखा था, बजट में रखा था, लेकिन बजट के कुछ होने होने से उस टाइम भास्कर जाधव साहब थे वो सब करके हमने 7 जो शेड के उसके बंधुआ के लोगों को न्याय देने का काम हुआ किया। तो वहां से आप लोग कितने लोग आए हैं लगभग? ये और आपका यहाँ पहला बार आना या दूसरी बार, कितने लोग हैं कुछ नाम बताएंगे? मैं तो भिवंडी में बहुत टाइम आया हूँ, तो अभी कितने लोग आपके साथ में हैं उनका नाम? यहाँ तो 200-400 लोग अभी भी हमारे साथ में हैं। अभी मैं अचानक एक बर्थडे के लिए आ गया हूँ अपना कांबे में, CID ऑफिस में हमारे जितने कार्यकर्ता है हमारे साथ जुड़ गए, तो उनके साथ मैं अभी काम करने को सोच रहा हूँ। जैसे कि महानगर पालिका का प्रॉब्लम है, जैसे कि रोड का यह प्रॉब्लम है, और जितने भी लोग राशन का प्रॉब्लम है, यहाँ इतने सारे प्रॉब्लम रहने के बाद ये लोगों के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, वो सब अभ्यास करके इनके साथ सुन के उनके लिए मैं काम करूँ। तो आप ये असंगठित कामगार विभाग के अध्यक्ष हैं, तो अगर आप CIDB की NGO में अगर आप ज्वाइंट होकर काम करना चाहेंगे, तो क्या आपके सवालात कुछ ऐसे नहीं उठेंगे? नहीं, CID ये NGO है, NGO के साथ काम करने में क्या दिक्कत आती है? NGO तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और वो पार्टी है, ऐसा नहीं। तो ये NGO कहीं भी काम कर सकता है, NGO का जहाँ भी जिनको भी जो जुड़ना है जुड़ सकता है, वो उसका नींव रख के उनके लोगों के लिए काम करेगा, उनके वो हमारे लिए काम करेंगे, ऐसा उसकी नींव है। तो जो NGO है कलाम मोमिन और अपना नईम भाई और अपना शफीक भाई, ये जो जितने लोग हैं, तो इस NGO के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं इधर आया हूँ, उन्होंने मेरे फूलों से इतना स्वागत किया है, मेरे कार्यकर्ता का स्वागत किया, मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इनके इनके बाद जो भी जिनको उनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं मेरे तहे दिल से मैं